जी सभी साथियों को शुभ संध्या। हमारी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है? एक बार जल्दी से जवाब दे देंगे कि हाँ आवाज क्लियर है, एक बार कमेंट करके बता देंगे कि आवाज क्लियर है सर, जल्दी जल्दी। बिल्कुल एक बार कमेंट करिए जल्दी से कि एक बार एकदम आवाज क्लियर है। ओके चलिए तो शुरू करते हैं आज की कक्षा को। और ये कलर सही रहेगा क्या? आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी हम लोग साइंस की कक्षा में है और साइंस की कक्षा में हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज की कक्षा में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों को देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रकाश के अपवर्तन से। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। ठीक है, अंग्रेजी कहे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, इन चीजों को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण देखेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन देखेंगे, और अंत में जो है हम लोग विवर्तन को देखते हुए आज की कक्षा को विराम देंगे। चूंकि 1 घंटे की कक्षा होगी लगभग 50-55 मिनट की, और इस 50-55 मिनट के अंदर इन सभी चीजों को देखेंगे और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इसको भी हम लोग देखने का कार्य करेंगे। तो बहुत ही अति महत्वपूर्ण कक्षा आप लोगों का होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ठीक ना, देखिए प्रकाश का अपवर्तन कहते किसके है, किसको है। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। परावर्तन में क्या पढ़े थे? प्रकाश के किसी वस्तु या सतह से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं इस तरह से, या इस तरह से प्रकाश के किसी वस्तु या सतह से टकराकर इधर से आया, इधर टकरा करके इधर की ओर लौट गया, इस घटना को प्रकाश का हम लोग क्या पढ़े थे? परावर्तन पढ़े थे। नहीं, अब इससे जुड़े हुए हम लोग दर्पण को भी देखे थे। नहीं, दर्पण सूत्र देखे थे, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इन सबको देखे थे। आज की कक्षा में हम लोग देखने वाले हैं अपवर्तन से संबंधित हर एक चीजों को। तो अपवर्तन कहते किसको है, सबसे पहले इसको समझेंगे कि देखिए जब प्रकाश होता है ना, प्रकाश प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि अगर कहें तो ये मान लीजिए कि कोई विरल माध्यम है और कोई सघन माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल मतलब ये खाली जगह है तो विरल है, और इसके अंदर यदि मान लीजिए कि पानी है, तो ये अगर पानी है तो ये पानी हमारा क्या हो जाएगा? हवा की अपेक्षा पानी जो हो जाएगा वो ज्यादा सघन हो जाएगा। होगा कि नहीं? सघन और विरल, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो ये जब प्रकाश की किरणें एक विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, जैसे मान लीजिए इस माध्यम से इस माध्यम की ओर जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रकाश की किरण यदि आती है तो यहां पे क्या होगा? यहां पे अपवर्तन होता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है? ये जो जगह है, इस जगह पर क्या होता है? इसमें मुड़ाव आता है। क्या आता है? मुड़ाव आता है, झुकाव आता है, और इस झुकाव की जो घटनाएं हैं, ठीक है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि यानी आप परिभाषा को देख लीजिए। परिभाषा हमारा क्या बनता है? ठीक है, प्रकाश के किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी एक
पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, जाने पर, जाने पर जो मुड़ने की घटना है, मुड़ने की घटना है या झुकाव कहिए एक तरह से, मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहेगा परिभाषा रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं रटना है, बस ध्यान से समझ लेना है एक एक चीजों को, ठीक है? ये ओके, ध्यान से पहले समझिए, फिर बाद में हम लोग लास्ट में बातचीत करेंगे, ठीक है? पहले समझिए इसको। ये हमारा प्रकाश का क्या हो गया? अपवर्तन हो गया, प्रकाश के किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। अब एक माध्यम मतलब अगर विरल से सघन में जा रहा तो सघन से भी तो विरल में जाएगा, नहीं जाएगा? विरल से सघन में जा रहा तो सघन से विरल में भी जाएगा। तो ये जो घटनाएं हैं यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो फिर यहाँ पे क्या होता है, एक घटना और घटता है, और ये घटना ऐसे घटता है कि जब सघन से विरल में जाता है तो फिर ये अभिलंब से दूर भाग जाता है, इस तरह से, ठीक है? तो यानी आप समझ रहे हैं कि जब विरल से सघन में जाता है और ये अभिलंब है तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ जाता है, और जब सघन से विरल में जाता है और ये अभिलंब है तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर भाग जाता है। इन दोनों के बीच भी एक प्रकार का जो है क्या होता है, इन दोनों के बीच भी एक प्रकार के देखिएगा जो दूरी बनता है, जैसे कि ये आ गया हमारा विरल वाला इस तरह से, ये मतलब सघन से विरल में गया है वो, और ये जो आया ये विरल से सघन में गया ये, तो इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है ये जो दूरी है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक, ठीक है, विस्थापन कहलाता है, ठीक ना? इसको भी समझ लीजिएगा ध्यान से। ये हमने क्या समझा, यहां पर हमने क्या समझा कि जब सघन से विरल में, जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। नोट करते जाएगा, एक एक बातों को ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत ही मतलब जो है उपयोगी है आपके एग्जाम के लिए एकदम से, ठीक ना? समझ जाइए एकदम से। देखिए यहां पर क्या हमने कहा, हमने ये कहा कि जब प्रकाश क्या होगा, विरल से सघन में जाएगा, बस इतना ही शॉर्टकट में, विरल से सघन में जाती है, सघन में जाती है, जाती है तो क्या होता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, क्या होती है, मुड़ जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है, विरल में जाती है, फिर एमसीक्यू भी करवाएंगे, ठीक है, जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से क्या होता है, अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है कहिए या दूर जाती है कहिए, बस बात समझ में आया, बात समझ में आया, जल्दी से बताइए, बात क्लियर हुआ कि नहीं, आई बात समझ में, जल्दी से बताइएगा, क्लियर है, कितना क्लियर है, जल्दी बोलिएगा, ओके, और कुछ लोग कमेंट करिए जल्दी से, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं, अब इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग, स्पेलिंग एरर है, ठीक है, चलिए रिफ्रैक्शन, आगे बढ़िए। अब इसके उदाहरण प्रश्न आपको पूछे क्या जाते हैं, तो उदाहरण पूछा जाता है, उदाहरण में क्या क्या आता है जरा समझ लीजिए, अपवर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण, आप लोग बताइए कमेंट करके क्या क्या उदाहरण हो सकता है। नंबर एक, अच्छा देखे होंगे थोड़ा साइड, ओके, अच्छा देख लीजिएगा, पीडीएफ चला जाएगा, आपको टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ जाएगा देख लीजिएगा।
अब उदाहरण में क्या क्या आता है? सबसे पहला उदाहरण, आप पानी में रखी हुई अगर छड़ को देखें, पानी में रखी हुई क्या छड़ी या पेंसिल कुछ भी आपको दिखाई दे, ठीक है, हल्की मुड़ी प्रतीत होती है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्या होता है, प्रतीत होती है। ये अच्छा सा उदाहरण है आपका, ठीक है। पेंसिल को जिस तरह से ये मान लीजिए रख लेते हैं, पानी के अंदर इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है, या ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, जिसको पारदर्शी ग्लास कहते हैं, उसमें अगर रख देंगे इसको, तो जैसे ही रखते हैं तो वो अगर ऊपर से बाहर से आप देखिएगा तो जो वास्तविक स्थान है उससे हल्का सा मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, हल्का मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। आता है कि नहीं आता, सो बताइए। हाँ, तारे का टिमटिमा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरा उदाहरण लीजिए इसी में, दूसरा उदाहरण क्या लीजिएगा, दूसरा उदाहरण तारों का टिमटिमाना। बहुत अच्छा, तारों का टिमटिमाना। अब कहिएगा क्यों टिमटिमाता है, ठीक है। अब इसकी इस घटना के पीछे अगर जाएंगे थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाएगा, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे, देखिएगा जब मेला वगैरह में होता है, कहीं कहीं पर बड़े बड़े मेला में, कि एक ग्लास रखी, एक बाल्टी रखी जाती है, बाल्टी के अंदर एक छोटा सा डब्बा रखा जाता है, और डब्बा में ऊपर से कहता बाबू 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए गिराइए, जितना गिराइएगा, अगर डब्बा में चला जाएगा तो 1 का डबल देंगे, देते कि नहीं देता है ना। तो उसमें क्या होता है, पानी के सतह पर रखा सिक्का या मछली, या क्या, पानी में रखी मछली भी, मछली क्या होता है, अपने जगह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्या होता है, अपने जगह से उठा हुआ प्रतीत होता है, क्या होता है, मछली सतह से उठा हुआ प्रतीत होता है, सतह से उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। ये क्या है, आपके उदाहरण है, उठा हुआ प्रतीत होता है, ये क्या है, उदाहरण है आपके, क्लियर। अच्छा, और भी कुछ उदाहरण हो सकता है क्या, जरा सोच करके दिखाइए, जरा सोच करके बताइए, कोई और उदाहरण है, जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी से। चलिए कोई बात नहीं है, लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए चौथा हम ही बता दें, सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, समय से पूर्व या बाद तक क्या होता है, सूर्य का दिखाई देना, दिखाई देता है ना सूर्य, 4 मिनट का अंतर होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच, होता है ना 4 मिनट का अंतर। ये आपके अपवर्तन के महत्वपूर्ण उदाहरण है। आपको प्रश्न यही पूछेगा, तारों का टिमटिमाना निम्न में से किसका उदाहरण है, आपको ऑप्शन देगा प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन देगा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन देगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन देगा प्रकाश का व्यतिकरण, या ऑप्शन देगा आपको प्रकाश का विवर्तन। इनमें से कोई आपको 4-5 ऑप्शंस देंगे, उनमें से किसी एक को चुनना होगा और आप सही आंसर चुनेंगे, जो वो होगा क्या, आपका प्रकाश का अपवर्तन। आइए आगे बढ़ जाते हैं। एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और वो क्या पूछा जाता है, तो जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं, कहते हैं ना, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन जिसको कहते हैं, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन किसको कहते हैं, जरा बताइए ये क्या होता है। अगर बात करें पूर्ण आंतरिक
हाँ रेनबो के बारे में भी बताएंगे बताएंगे, रेनबो के बारे में भी बताते हैं आपको, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, रेनबो के बारे में भी बातचीत हम लोग करेंगे, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल अंग्रेजी में TIR भी देखने को मिलता है, TIR भी देखने को मिलता है। इसको जानने से पहले आपको जानना होगा क्रांति कोण के बारे में, किस कोण के बारे में, क्रांतिक कोण के बारे में। ये क्रांति कोण क्या होता है, हमें लगता है पूर्व की कक्षा में आपको बताया हुआ है क्रांति कोण के बारे में, नहीं बिल्कुल TIR, क्रांति कोण के बारे में बताए थे कि नहीं बताए थे, बताइए। क्रिटिकल एंगल जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक ना। क्रांति कोण आखिर होता क्या है, तो सबसे बड़ी बात है इसको समझिए, जब क्रांति कोण को समझ जाएंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को अपने आप समझ जाएंगे, और यहां से प्रश्न बनते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, अति महत्वपूर्ण चीजें चीजें ही आज आपको बताने वाले हैं, ठीक है, इसे ध्यान समझिएगा। पहले क्रांतिक कोण क्या होता है, शायद आपको पता होगा, निश्चित रूप से पता होगा, शायद क्या निश्चित रूप से पता होना चाहिए, क्रांतिक कोण कहते किसको। देखिए जब भी कोई किरण, प्रकाश की किरण कहिए आप, किसी सघन माध्यम से, ये मान लीजिए सघन माध्यम है नीचे वाला, ये इस तरह से, या थोड़ा अच्छा नहीं लगता इसको कलर बदल लेते हैं क्या, किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर अगर जा रही है, मान लीजिए उदाहरण के लिए, यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ठीक ना। चलिए यहां से एक पहले अभिलंब खींच लेते हैं, इसलिए इस तरह से, और फिर कलर चेंज कर लेते हैं यहां से। अब ये देख लीजिए इस तरह का, ये मान लीजिए ये पानी वाला है या सघन माध्यम है, कांच है, कुछ भी है इस तरह से, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। ये अब यहां पर देखिए, जब ये किरण इधर से जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है, ध्यान से देखिएगा एकदम क्लियर हो जाएगा, दोबारा आपको आज के बाद जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इससे संबंधित चीजें आपका एकदम कभी गलती हो ही नहीं सकता है। तो जब सघन माध्यम से ये जा रही है ऊपर की ओर, यानी विरल माध्यम की ओर जा रही है, लेकिन जब एंगल जो होगा इसका, ये एंगल क्या होगा, ये जा रहा है, और इस कलर को अगर बदल देते तो ज्यादा हमको लगता स्पष्ट होता आप लोगों को, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, इसको बदल ही लेते हैं, ये जो जा रहा है इससे, ये नहीं, और ये ऐसे चला जाए, मतलब आपतन कोण जो है हमारा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है ना, और ये आपतन कोण और जो अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण का मान यदि 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, अपवर्तन कोण बराबर यदि 90 डिग्री हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। बातें समझ में आई, बात समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए जल्दी से। आपतन कोण का जो मान है, ये आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के रूप में जब बदलेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, और जब 90 डिग्री हो जाएगा तब जा करके इसको हम क्या कहेंगे, इस कोण को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। आई बात समझ में, जल्दी बताइए, बात समझ में आया, आई बात समझ में। अब इसी से रिलेटेड, चलिए पहले इसको लिख लीजिए, क्रांतिक कोण लिखेगा जब आपतन कोण या किसी आपतन कोण के लिए जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, किसी आपतन कोण के लिए जब अपवर्तन कोण के लिए जब
अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसे क्रांति कोण कहा जाता है, उसे क्रांति कोण कहा जाता है। ठीक है, क्रांति कोण समझ गए। अब इसी से जुड़े हैं, इसी से जुड़ा हुआ हमारा क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जरा इसको समझ लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये जो हमारा होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जो होता है, इसको अगर देखिएगा ये क्या होता है। ठीक इसी में आ जाइए, इसी में आ जाइए। और जब क्या हो, जब सघन माध्यम से कोई किरण जाती है और सघन माध्यम में किरण जाती है और वो सतह से टकरा करके और पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, सघन माध्यम में ही लौट आती है, तो यहां पर जैसे अभिलंब बनेगा, मान लीजिए कि ये जो अभिलंब होगा यहां पे, तो यहां पर जो आपतन कोण का मान होगा और यहां जो अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण का मान होगा वो 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा। यस और नो बताइए जल्दी से कमेंट करके, 90 डिग्री से अधिक होगा या नहीं होगा। ये जो मान है ये 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, नहीं होगा अधिक, बताइए। जब अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण के लिए तो 90 डिग्री होना चाहिए था, क्रांतिक कोण के लिए कितना चाहिए अपवर्तन कोण, 90 डिग्री चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होता है, अपवर्तन कोण जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, और जब 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो इसी को हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बातें समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताइए। अब इसको देखिए, जरा समझ लेते हैं। देखिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में गुजरती है तो अपवर्तन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक हो, मतलब 90 डिग्री से अधिक हो, क्रांतिक कोण से अधिक होती है, और कर लीजिए यहां पे तो के अपेक्षा और कर लीजिए, और अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होती है तो क्या होता है, तो क्या होता है, जो आपतित किरण होती है उसी माध्यम में लौट जाती है। तो अपवर्तित किरण कहिए, ठीक है, तो अपवर्तित किरण ठीक है, अपवर्तित किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। और ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। बातें समझ में आई कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में जाए और यहां पर जो एंगल होगा आपतन कोण जो होगा उससे ज्यादा, इसका मान किसका हो जाएगा, अपवर्तन कोण का, तो ये क्या होगा, ये जो आपतित किरण
यहाँ क्या हो जाएगा, ये लौटेगा जब आपतित किरण अपवर्तित किरण होता है, अपवर्तित किरण जो होगा वो इसी माध्यम में लौटेगा, ये सघन है तो सघन में ही रह जाएगा और यही घटना हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। कहेगा ये पूछेगा परिभाषा नहीं, ये समझना जरूरी है। तो पूछेगा क्या, पूछेगा क्या ये भी जानना जरूरी है नहीं, चलिए तो उदाहरण को जानिए। पूछेगा आपको उदाहरण, पूछेगा आपको क्या उदाहरण, उदाहरण देख लेते हैं, जैसे में देख लेते हैं क्या आता है। सबसे पहला उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण हमारा क्या आता है कि हीरा जो होता है जब कटता है, कटता है ना, हीरा क्या होता है, हीरे का चमकना कहीं एक तरह से, हीरे का चमकना क्या है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। हीरे का चमकना क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। दूसरा, कभी कभी देखते होगा शीशे का ग्लास होता है, नहीं होता है, शीशे का ये ग्लास है आपका, कुछ इस प्रकार का गोलाकार है, लेकिन गलती से ये क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से फूट जाता है, ऐसे मान लीजिए, या ऐसे ये कुछ ज्यादा ही टूट गया, नहीं ऐसे नहीं, मान लीजिए कि ऐसे, हाँ नहीं, ये इस तरह से टूट जाता, इस तरह से टूट गया, मान लीजिए आपको इस तरह का दिखाई दे रहा। तो टूटने के बाद पानी का बुलबुला, बिल्कुल टूटने के बाद का इसका जो जहां से टूटता है वो परत देखिएगा कि बहुत ज्यादा चमकीला हो जाता है, होता है कि नहीं होता बताइए, यानी गिलास कहिए, कांच कहिए, इन सब के टूटने के बाद इनका चमकीलापन कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, बढ़ता कि नहीं बढ़ता है। तो कांच या गिलास, कांच या ग्लास के टूटने पर, टूटने पर अधिक चमकीला दिखाई देना, अधिक चमकीला, अधिक चमकीला दिखाई देना, क्या दिखाई देना, अधिक चमकीला दिखाई देना, डायमंड, हाँ बिल्कुल। तो ये आप उदाहरण ले सकते हैं, हीरा का चमकना ले सकते हैं। और सबसे जो पॉपुलर और सबसे ज्यादा पूछा जाता है मारीचिका, रेगिस्तान के अंदर जो भ्रम है, रेगिस्तान के अंदर ये मारीचिका जो है वो किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। मारीचिका सुने होंगे नाम, नहीं, ये मारीचिका क्या है, भ्रम है एक प्रकार का। आप सड़क पर चलते रहते, कभी कभी आपको लगता है गर्मी के मौसम में धूप का समय होता है तो आप देखते हैं सड़क पर लगता है कुछ अदूर आगे पर दिखाई देता, आपको लगता है पानी है वहां पे, नहीं, और थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो लगता है थोड़ा और आगे पानी है, लेकिन ऐसा रहता नहीं है। ये क्या है, एक प्रकार का भ्रम है, और ये भ्रम जो होता है उसको कहते हैं मारीचिका, क्या कहते हैं, मारीचिका। अच्छा एक और उदाहरण ले सकते हैं आप यहाँ पे, कौन सा, एक होता है इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी नाम सुने होंगे, इंडोस्कोपी, ये इंडोस्कोपी क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ये पेट के अंदर, पेट के अंदर, ठीक है, पेट के अंदर मुख के माध्यम से पाइप डाल करके और उसमें चीजों को देखा जाता है, कौनची किधर है, कैसा है, नहीं है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से ही देखा जाता है। क्लियर, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से यदि प्रश्न पूछेगा तो क्या आप लोग जवाब दे पाएंगे, यस और नो, जल्दी बताइए, अब तो दिक्कत नहीं होगा ना, जो बीपीएससी का टर्म है वो चीजें आपको बताने का हम कार्य कर रहे हैं। बीपीएससी बहुत जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक ना, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो आगे बढ़ा जाए, बोलिए जल्दी से, आप लोग बता रहे थे एक किस चीज के बारे में, एक बता रहे थे वर्ण विक्षेपण के बारे में, हमें लगता है नहीं, वर्ण विक्षेपण होता है ना, वर्ण विक्षेपण के बारे में पूछ रहे थे आप, ये कैसे होता है जरा समझिए। सीधी सीधी बात कहे तो श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में बंटना, श्वेत प्रकाश के क्या, सात रंगों में विभक्त होने की घटना, रंगों में विभक्त होने की घटना ही क्या है, घटना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्लियर है, आप पढ़ाइएगा और समझ में नहीं आए हो सही बात है, बिल्कुल
देखिए प्रयास तो रहता है बेहतर दें आप लोगों को, लेकिन क्या कहें हमारे साथ कुछ मजबूरियां हैं, जो मजबूरियां उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और हम आपके उम्मीदों के अनुसार 100% आपको बिल्कुल देंगे, हर एक चीज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है हमारा दुर्गा पूजा, 7-8 दिनों की छुट्टी होगी, नॉन स्टॉप आप लोगों को क्लास दे करके पूरा सिलेबस 50% दुर्गा पूजा के अंदर खत्म कराने का लक्ष्य रखेंगे। कि दुर्गा पूजा में आप लोगों को एकदम 2 बार साइंस 2 बार मैथ की कक्षा लगा करके अधिक से अधिक चीजें आप तक पहुंचाने का कार्य किया जाए, ठीक है। ये सबसे बेहतर जो है, देखिए प्रयास हम लोग का होगा, हमारी टीम का होगा। अब यहां जरा देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, ये क्या समझ में आएगा। हमने कहा कि प्रकाश के किसी हमारे प्रकाश के श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना जो होगी वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नहीं हुआ शिफ्ट बताएंगे, ये कहानी लंबी होती जा रही है, ठीक है। लेकिन आपका क्लास अब नहीं रुकेगा, इतना उम्मीद है कि बिल्कुल नहीं रुकने देंगे, चाहे इसके लिए हमको जो करना पड़े, ठीक है। चलिए अब ये 7 रंगों में विभक्त कैसे होता है तो जरा देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से 3 3 6 और एक और मान लीजिए 7, यहां से इस तरह से थोड़ा ज्यादा हमारा झुकाव हो गया है, इतना नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैनेज कर लीजिए, आप लोग इतने समझदार हैं, पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें होता क्या है, शुरुआत हम लोग करते हैं ब जा नी हा पी ना ला। अब ये बैजा नीह पी नाला क्या है, बैजा नीह पी नाला क्या है, ठीक है ठीक है, रहने दीजिए। कमेंट पर आज हम ध्यान बिल्कुल नहीं देने वाले हैं, अगर कमेंट पर हम ध्यान देंगे तो बहुत सारे साथी हमारे नाराज हो जाते हैं, कहते सर कमेंट पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, इसलिए आज हम बिल्कुल आप लोग का कमेंट बिल्कुल नहीं देखेंगे, नजरअंदाज कर रहे हैं। वैसे आप जानते हैं क्या होता है, बैगनी जा से जामुनी, जामुनी नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल होता है ना, यही ना होता है, यही ना वर्ण विक्षेपण है। आज जब तक इसको नहीं समझिएगा, इंद्रधनुष को समझिएगा, नहीं नहीं समझिएगा, इसको समझिए ना, फिर उसको भी समझाते हैं, नहीं जरा समझेंगे कि ये क्या कह रहा है बैजानी पी नाला। हमने कहा कि ये 7 रंगों में विभक्त होने की घटना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, कहलाता है ना। तो 7 रंग में बैठा बैजा नीह पी नाला, बैगनी नाला नीला। अब एक चीज देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा झुकाव किसमें लगता है आपको, बैगनी में लगता है ना, तो बैगनी का विचलन सबसे अधिक होगा, ध्यान सुनेगा एक ही बातों को। टीजीटी मैथ कितने, 8 से 10, 8 से 10 टीजीटी मैथ आपका होगा, टेंशन मत लीजिए, 8 से 10 आपका मैथ होगा, ठीक ना। देखिए बैगनी ये क्या है, बैगनी विचलन, पहले दो बात समझिए, एक तरंग धैर्य से प्रश्न पूछेगा, एक तरंग धैर्य से पूछेगा, एक विचलन से पूछेगा, एक किससे पूछेगा, विचलन से। इसमें भी दो बातें, तरंग धैर्य सबसे अधिक, सबसे अधिक कौन सा होता है तो लाल, सबसे कम, सबसे कम तो ये होता है बैगनी। ठीक उल्टा नीचे आ जाइए, सबसे अधिक विचलन, विचलन में ले लीजिए, ठीक है, सबसे अधिक, सबसे अधिक बैगनी, बैगनी सबसे कम, सबसे कम लाल। क्लियर हुआ सो बताइए, पहले क्लियर हुआ जल्दी बताइए, चलिए। अब आप लोगों के मन का जो प्रश्न है कि सर इंद्रधनुष के बारे में बताइए, इंद्रधनुष को समझना है हमें, तो इंद्रधनुष आप देखे होंगे कि अब कलर तो 7 रंग का ही होता है, ठीक उसी प्रकार के होता है, बैगनी जामुनी इस तरह से, ठीक है। अब कहिएगा इतना कलर में अभी टाइम नहीं है इतना कि आपको हम सारे कलर में आपको करके दिखावे, तो एक कलर ही रहने दीजिए, लेकिन ऊपर आपको लाल कर देते हैं तो आपको इतना समझ में आए कि ऊपर क्या होता है, लाल इस तरह से रहेगा,
ठीक है, ऊपर ऐसे लाल, अच्छा, और नीचे बैंगनी। बैंगनी वाला कलर कौन सा था, नहीं आप लोग हमको बताइए, इसमें कौन सा कलर है बैंगनी, इसमें कोनो है क्या? लग तो नहीं रहा जिसमें कोनो होगा, मिक्स करना पड़ेगा, रहने दीजिए इसको ही, बैंगनी मान लीजिए इसको, ठीक है। ये बैंगनी हो गया आपका, ये आपका लाल हो गया। इंद्रधनुष भी दो तरह का होता है सर, कितने तरह का होता है? एक कहिए प्राथमिक और एक कहिए तो द्वितीयक, ठीक है। हाँ, भिभीकियोर भी होता है, बिल्कुल सही बात है। एक क्या होता है प्राथमिक, एक क्या होता है द्वितीयक। अच्छा, प्राथमिक, प्राथमिक इंद्रधनुष, पहले तो याद रखिएगा, दिखाई कब देगा? 12 बजे दिखाई नहीं देता है, 12 बजे दिखाई नहीं देता, ये बात याद रखिएगा, 12 बजे दिखाई नहीं देता है, पहला बात, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जब भी दिखाई देगा तब आप सूर्य के तरफ पीठ रखेंगे, सूर्य के तरफ क्या रखेंगे, पीठ रखने पर, रखने के बाद ही आपको दिखाई देगा। और कब, एक और कब, तो जब बारिश का मौसम हो तब दिखाई देगा, एक और कब, जब बारिश लगी हो, बारिश का मौसम हो, हमेशा नहीं दिखाई देगा। तो तीन बातें याद हो गई होगी, 12 बजे नहीं दिखाई देगा, बारिश का मौसम लगा हो तब दिखाई देगा, और फिर कब दिखाई देगा, तो सूर्य के तरफ हम पीठ रखेंगे और सूर्य के विपरीत दिशा में जब देखेंगे तभी हमको दिखाई देगा। क्लियर है? क्लियर है, यस और नो, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी बताइएगा, समझ पा रहे हैं आप लोग, तभी तो आगे बढ़ेंगे। बोलिए, ओके, समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। अब प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करिए, इसके अंदर क्या होता है घटना? जब बात प्राथमिक इंद्रधनुष की हो तो इसमें होता है क्या, इसमें एक बार परावर्तन है, ऐसे उल्टा हो गया, इसमें होता है एक बार, इसमें होता है दो बार परावर्तन, दो बार परावर्तन और एक बार अपवर्तन होता है इसके अंदर, एक बार अपवर्तन होता है, याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा? प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, तो दो बार परावर्तन होता है और एक बार अपवर्तन होता है, ठीक है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, तो लाल बाहर दिखाई देता है और बैंगनी अंदर दिखाई देता है। दूसरा कॉन्सेप्ट कि इसमें क्या होता है, लाल बाहर दिखाई देता है, लाल बाहर और बैंगनी अंदर दिखाई देता है, बैंगनी अंदर दिखाई देता है। ये क्या हो गया, बड़ा हो गया अपने मने है, क्या हो गया, बड़ा काय हो गया, जूम होने लगा, ही तो काम नहीं कर रहा। ओ ये रहा, क्या होता है, बैगनी अंदर दिखाई देता है। बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट से बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, दो बार परावर्तन, पीडीएफ मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या होता है, दो बार परावर्तन एक बार अपवर्तन होता है, इसमें लाल बाहर दिखाई देता है और बैगनी अंदर दिखाई देता है। आ जाइए आगे, अब द्वितीयक इंद्रधनुष की बात कर ले जरा सा। द्वितीयक इंद्रधनुष में, इंद्रधनुष धनुष में क्या होता है, ठीक, धनुष, ठीक है ना, हाँ ठीक है। इसमें दो बार परावर्तन और दो बार अपवर्तन होता है, और दो बार अपवर्तन होता है, दो बार अपवर्तन होता है, पहला बात। दूसरा क्या होता है, इसमें बैगनी ऊपर दिखाई देता है, बैगनी ऊपर और लाल नीचे दिखाई देता है, और लाल नीचे दिखाई देता
देता है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए जल्दी से, क्योंकि समय कम है, 10 मिनट मेरे पास हो रहा है। 10 मिनट के बाद आपकी कक्षा जो है सोशल साइंस की चलने वाली है, जिसमें ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे आप? ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसके अंदर, ठीक है, जल्दी बताइए, आगे बढ़े। चलिए, छोटा सा टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन, जो पूर्व में भी शायद हमें लगता है कि आपको पढ़ाए होंगे, यहां भी थोड़ा सा जान लीजिए प्रकाश का प्रकीर्णन, अंग्रेजी कहे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें आपको बताया गया था, याद कीजिएगा थोड़ा सा, कि जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो प्रकाश क्या करता है, या सूक्ष्म कण क्या करता है, प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। जब प्रकाश प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ता है, सूक्ष्म कण पर पड़ता है, तो क्या होता है, वे कण प्रकाश के कुछ भाग को, प्रकाश के कुछ भाग को क्या करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित कर शेष को परावर्तित कर देता है, शेष को परावर्तित कर देता है। यही घटना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। उदाहरण अगर देखें, जैसे कोई बताइए एक दो उदाहरण, आप लोग पहले उदाहरण बताइए, आप लोग पहले जल्दी से, फास्टली जल्दी, क्या आएगा प्रकाश के प्रकीर्णन में, क्या उदाहरण आएगा, जल्दी बताइए। नहीं आएगा क्या? सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल, बहुत अच्छा। सूर्योदय देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, सूर्य का लाल दिखना, देखते हैं ना, छठी मैया का पूजा करते हैं ना, आने वाला है जस्ट अब, नहीं तो सुबह सुबह देखते हैं क्या, एकदम सूर्य लाल लाल दिखाई देता है, एकदम जबरदस्त। चलिए और क्या आ रहा है, समुन्द्र में पानी नीला दिखाई देना, बहुत अच्छा। और अक्ष पर ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक है, बहुत अच्छा। आकाश का नीला दिखाई देना, सही जवाब, आकाश का नीला दिखना, नीला दिखना। और क्या, और क्या, हाँ, आकाश का नीला दिखाई देना, और पानी जो होता है समुद्र का पानी, खास करके अगर बात कर ले तो वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, वो इसी के कारण, नहीं, समुद्र का पानी, समुद्र समुद्र नहीं, समुद्र का पानी नीला दिखना, नीला दिखाई देना, क्लियर, ये बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब आ जाइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे बढ़ के, और बात कर लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं विवर्तन। शब्दों को समझिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी में। प्रकाश का विवर्तन किसको कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन, एकदम कहते हैं ना, तेज रफ्तार वाली क्लास आज चल रही है, नहीं इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, बताइए अंग्रेजी में आप लोग जल्दी से, क्या कहेंगे, क्या लिख रहे हैं, व्हाइट कलर ऑफ स्काई एट आफ्टरनून, अच्छा दोपहर के समय में क्या दिखता है ना, ओके, देखिए वहां हम लोग देख रहे थे रिफ्रैक्शन, और यहां देखेंगे डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कब होता है, जब आप किसी इस तरह की, मान लीजिए कि ये आपके पास कोई वस्तु है,
अब इसमें एक गोलाकार छिद्र है, क्या है? क्या होने लगा? पीछे भी नहीं हो रहा है। ओके देखिए, नहीं हुआ, चलिए छोड़ दीजिए। ये मान लीजिए गोलाकार छिद्र है इसके अंदर, और तब टॉर्च आप जलाते हैं, तो होता क्या है कि जब आप टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश की किरणें जो कुछ इस प्रकार इसमें जाती है, तो बाहर जो निकलती है, आप किसी कागज में, किसी पेपर में या किसी लकड़ी में छेद कर लीजिएगा, और छेद करने के बाद उसमें टॉर्च दूर से थोड़ा जला के देखिएगा, तो जो प्रकाश जिस दिशा में जैसे जाता है, तो इसके छिद्र के कोर पर से ये थोड़ा सा जो है ना, सो कोर से थोड़ा सा अलग हट जाता, थोड़ा सा झुक जाता है, ठीक है, सीधा सीधा नहीं जा पाता है, और यही घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं? ऐसा बताइए, जल्दी बताइए, बताइए। यानी कहने का तात्पर्य यह है, परिभाषा क्या ले लें? जब प्रकाश किसी सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरती है, छिद्र से होकर गुजरती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, या कहिए तो थोड़ा सा हट जाती है, थोड़ा सा हट जाती है, ठीक है, और यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक ना? बात समझ में आ रहा? विवर्तन समझ गए? विवर्तन समझ गए? जल्दी से बोलिए। और एक लास्ट है, 4 मिनट बचा हुआ मेरे पास, लास्ट हमारा जो है वो प्रकाश का क्या है? प्रकाश का क्या है लास्ट में? विवर्तन हो गया, तब क्या बच गया? एक व्यतिकरण, उसको भी देख ही लिया जाए, क्या कहते हैं बताइए? देख लिया जाए, देख लिया जाए, इंटरफेरेंस कहते हैं ना, प्रकाश का व्यतिकरण। नहीं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ, ठीक है, ठीक बिल्कुल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब ये क्या होता है, यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उदाहरण आप लोग याद कीजिए, क्या क्या पूछा जाता है, इसका उदाहरण आप ही लोग बताइएगा, हम डिफिनेशन बता के समझा देते हैं, बाकी उदाहरण आप लोग दिमाग में बैठाइए कि आखिर क्या क्या उदाहरण होने वाला है, ठीक है, बता दें। देखिए, होता क्या, कहा जाता है कि जब समान आवृत्ति और आयाम, समान आवृत्ति और आयाम के दो तरंग जब एक ही दिशा में, ठीक है, चलती है या गमन करती है, क्या करती है? गमन करती है, तो अलग अलग बिंदु पर अलग अलग बात होता है, तो क्या होता है? किसी बिंदु पर प्रकाश अधिकतम दिखाई देता है, किसी बिंदु पर प्रकाश न्यूनतम दिखाई देता है, और किसी बिंदु पर प्रकाश शून्य दिखाई देता है, लगता ही नहीं, है ही नहीं, ठीक है,
क्या होता है तो, गमन करती है तो, कुछ बिंदु पर लीजिए या किसी बिंदु पर लीजिए, किसी ठीक नहीं, कुछ बिंदु लीजिए, कुछ बिंदु पर, कुछ बिंदु पर प्रकाश क्या होता है, कुछ बिंदु पर प्रकाश अधिकतम, अधिकतम कोमा कुछ बिंदु पर न्यूनतम, कुछ बिंदु पर न्यूनतम और कुछ बिंदु पर क्या होता है, प्रकाश शून्य दिखाई देती है, प्रकाश शून्य दिखाई देती है, शून्य दिखाई देती है, शून्य दिखाई देती है, ठीक है। और यही घटना क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है, यही घटना क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है। तो आइए उदाहरण को ज्यादा जाने हम लोग, उदाहरण ही पूछेगा, पूछता क्या है, पूछ देगा कि जब तेल, जब पानी के ऊपर तेल की बूंद डाल देते हैं, पानी के ऊपर जब तेल की बूंद डाल देते हैं तो वो हल्का सा चमकीला दिखाई देता है, नहीं रंगीन दिखाई देता है, किस वजह से दिखाई देता है जरा बता दीजिए। तो आप क्या जवाब देते हैं, उसके ऑप्शन में आपको रहेगा परावर्तन, ऑप्शन में रहेगा अपवर्तन, ऑप्शन में रहेगा विवर्तन, ऑप्शन में रहेगा व्यतिकरण। तो इस समय आप क्या करेंगे, सोच में पड़ जाएंगे, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो बहुत अच्छा, साबुन का बुलबुला वाला उदाहरण आप लोग दे रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन एक ही उदाहरण सब लोग दे रहे हैं। चलिए तो आपका उदाहरण पहले लिख देते हैं, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, साबुन के बुलबुले का, बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, रंगीन दिखाई देना। और दूसरा हमने क्या कहा है आपको कि पानी के सतह पर, पानी के सतह पर, सतह पर तेल के बूंद का चमकीला होना या चमकना कहिए, चमकना, चमकना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, बिल्कुल ये क्या कहलाएगा, व्यतिकरण कहेगा, मतलब कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी, जो छोटी मोटी हमारी त्रुटियां हैं उसको बहुत जल्द ठीक करके आप लोग को जबरदस्त वाली कक्षा देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं, एक दो दिन बस और, हाँ बिल्कुल अभी भेज देते हैं आपको, अभी आपको पांच, अभी तो नहीं, अभी क्लास लगातार चलेगा 10 बजे, 10 बजे आपके पास पहुंच जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। और आपको पीडीएफ, आपको इसका जो है पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा, ठीक है, आज व्हाट्सएप पर भी आपको भेज देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। अच्छा राजू सर से कैसे मिले, अब मिलते रहते हैं वो सब अभी जस्ट आपको ज्योग्राफी की कक्षा होगी, जस्ट जस्ट आपको लगातार क्लास हमारी एंड हो रही है, आपको बस 2 मिनट के अंदर शुरू होगी ज्योग्राफी की कक्षा, ठीक 8 बजे पुनः हम उपस्थित होंगे और 8 बजे से 10 बजे आपको मैथमेटिक्स की कक्षा देंगे, जिसमें 9-10 के लिए मैथमेटिक्स की कक्षा चलेगी जो कि 8 से 10 चलेगी। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, बिल्कुल एकदम हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है, सक्सेस की 92 के साथ आप जुड़े हैं और सक्सेस की 92 100% चाहे कहते हैं ना जान जाए पर बचन न जाए, वो वाली बातें हैं नहीं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कहते हैं ना रघुकुल रीत सदा चली जाई, जान जाए पर बचन न जाए, वही बात होगा, जो बातें हमने किया है आपसे 100% आपके लिए खरा उतरेंगे और एप्लीकेशन के अंदर हर एक चीज आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन टॉपिक पढ़ाए सर मैथ में, अच्छा वो मैथ की कक्षा में बात करेंगे, ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर, अभी ज्योग्राफी की कक्षा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना, चलिए ओके।